सर एक्चुअली ना हमारी फैमिली में एक इंसान है, मैं नहीं जानती वो कौन इंसान है या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मतलब इसने मुझे ऐसे रास्ते में देखा था। रजत मल्होत्रा ने मूर्ति सोची कि एक स्टेप फादर होंगे, वो उसे बहुत प्यार करते हैं उनकी मम्मी से, लेकिन जो उनके रियल फादर है मूर्ति सोची की और उनकी एक सिस्टर भी है, ठीक है, तो वो उससे प्यार नहीं करते क्योंकि ना ऐसा होता है फैमिली में कि कई बार फैमिली मतलब शादी का रिश्ता नहीं चलता है एक दूसरे के बीच में, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है लाइफ में, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि मुझे ऐसा आइडिया है, तभी उन्होंने दूसरी शादी करे क्योंकि मतलब बहुत प्रॉब्लम में थे, तभी वो मतलब उनका ली मेरिडियन में ख़राब हो गया है और मतलब होगी समथिंग प्रॉब्लम, तभी उन्होंने दूसरी शादी की है। और मुझे इतना पता है कि रजत मल्होत्रा मेरी बहुत हेल्प कर रहा है क्योंकि ना मेरे को दवाइयाँ दी गई है ल्यूशन से और मुझे ना बहुत उल्टी आ रही थी, इतनी उल्टी आ रही थी मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मेरे ना रेप केस का चल रहा था, मैंने FIR करी थी, तो मुझे FM ने बताया कि आपकी ये डेट है, तो मैं दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर तो रेप केस होता ही नहीं, यहाँ पर तो रेप केस चलता ही नहीं है। फिर मैंने बताया कि क्या 17 नंबर कोर्ट में चलता है, तो उन्होंने मना कर दिया, 17 नंबर कोर्ट तो कोई है नहीं, लेकिन मैं जानती कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, 17 नंबर कोर्ट होगी क्योंकि 17 नंबर कोर्ट होती है, क्योंकि मेरा वहाँ पे डाइवोर्स केस चला था नंद के साथ, तो मुझे वहाँ का थोड़ा बहुत आइडिया है, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग किया गया था, वहाँ पे कोई फोटो स्टेट की दुकान नहीं है पता है, लेकिन फिर भी चल ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। फिर मैंने बहुत सारे FIR लिखे, ऑलमोस्ट मैंने 21 FIR लिखे, कल भी मैं FIR लिखने जा रही हूँ। मैंने रजत मल्होत्रा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन उसकी हत्या हो सकती है, उसकी पूरी फैमिली की हत्या हो सकती है, एक बार उसके मर्डर हो चुका है, उसको गोली मार दी गई है, इसलिए मैं जानती हूँ रजत मल्होत्रा ने मेरे फैन लगाए जाके मेरे मुँह पर दवाइयाँ लाए, उन्होंने 1500 दिए, वरना खाने तक के पैसे नहीं थे, मैं FIR नहीं लिख पाई थी क्योंकि मेरे पास पेजेस नहीं थे, मैं अपनी चेकबुक नहीं करवा पा रही थी, ठीक है, चेकबुक नहीं ले पाए थे क्योंकि सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि आने जाने खाऊंगी तभी तो हिम्मत आएगी ना, तभी तो कुछ कर पाऊंगी ना, वरना मेरे पैसे नहीं थे, मैं भूखी मर जाती, मैं 2 दिन से भूखी थी, फिर मुझे उसने पैसे दे दिए, ठीक है, उसने देखा, ठीक है। अब मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसकी हत्या ना हो जाए, उसकी फैमिली की हत्या, बाकी मैं मान लूँ।